हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे पास ईओन आई है और इसमें स्टीयरिंग प्रॉब्लम कर रहा है, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है इसका। तो इसका जब स्टीयरिंग काम नहीं करता, ईओन गाड़ी में मोटर तो वैसे ख़राब होती नहीं है, इसका 99% इसकी स्टीयरिंग की डिब्बी में प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से स्टीयरिंग काम नहीं करता है। देख सकते हैं ईपीएस की डिब्बी भी आ रही है और स्टीयरिंग की जो डिब्बी की लाइट आ रही है, ईपीएस बना हुआ, तो ये हमें दर्शाता है कि इसका मतलब स्टीयरिंग हमारा काम नहीं कर रहा है। इसमें देख सकते हैं अभी स्टीयरिंग कितना हार्ड हो रहा है। तो पहले से स्कैन करेंगे, अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे फ्यूज जुड़ा हुआ। अगर स्कैन हो रहा है हमारा तो फिर ठीक है, मतलब करंट आ रहा है उसमें। और स्कैन ना होने के दो कारण होते हैं, एक तो उसमें करंट ना आना होना या ईपीएस मॉड्यूल इंटरनली ख़राब होना, और तीसरा जो होता है कैन हाई कैन लो वायर होती है ओबीडी की, जो वहाँ से कट जाती है ईपीएस के डिब्बे तक, जो स्कैन नहीं कर पाती है। मगर इतना मसला नहीं होता है, कैन हाई कैन लो भी कट जाएगी मगर फिर भी स्टीयरिंग की डिब्बी काम करेगी। और इसमें मोटर तो ख़राब होती नहीं है वैसे, तो इसको स्कैन करते हैं, पहले देखते हैं स्कैन हो रहा है। अगर स्कैन हो रहा है तो हमारा यानी कि आगे फ्यूज़ की सप्लाई मेन वाली और कैन हाई कैन लो की वायर ठीक है। तो इसका ओबीडी पोर्ट यहाँ पे लगेगा, तो ये ओबीडी पोर्ट चाबी ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमारी होंडा ही, होंडा हमारी एशियन में होगी। जाएंगे डायग्नोस्टिक पे, जाएंगे एशिया में, करेंगे होंडा ही मैनुअल सिलेक्शन पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे। तो ये हमारी ईओन है, तो ईओन पे जाएंगे, ईओन पे जाएंगे, 2013 पे कर लेंगे। सिस्टम सिलेक्शन पे जाएंगे, तो ये हमारी ईपीएस मोटर ड्राइविंग पावर स्टीयरिंग पे जाएंगे, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो इसमें टॉर्क सेंसर सप्लाई का फॉल्ट आ रहा है, तो ये ईपीएस डिब्बी से फॉल्ट आता है, तो इसकी डिब्बी खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कहाँ से फॉल्ट आ रहा है इसका टॉर्क सेंसर का। क्लियर मारते हैं, क्लियर हो गया, रीड फॉल्ट कोड करते हैं, नोट रबर कोड, गाड़ी चाबी ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मगर लाइट फिर भी आ रही है, यानी कि स्पेस काम नहीं कर रहा है। सब खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। डिब्बी खोलते हैं, खोल करके आपको इसका हार्डवेयर तो आपको पता ही है, मैंने वीडियो में दिखा भी रखा है आपको कैसा इसका हार्डवेयर है। तो रिपेयरिंग करने के लिए हमें थोड़ी साफ सी जगह ले लेनी होती है, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस उड़ के चली गई तो वहाँ पे हमें मिल जाए। तो ये ऑलरेडी पहले भी किसी ने रिपेयर करी हुई डब्बी है, देख सकते हैं किसी ने साइन करके दिए हैं अपने, और यहाँ पे जीरो नंबर की रेजिस्टेंस भी चेंज है, जीरो नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये 19/5/2023 में रिपेयर हुई थी डिब्बी है, तो ये प्रॉब्लम करने लगी है, क्यों कर रही है देखते हैं। इसमें पहले चेकिंग करते हैं इसकी, चेकिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारी स्टीयरिंग की डिब्बी काम नहीं कर रही है। दिखाते हैं आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है इसमें, तो ये प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मिली है मेरे को, यहाँ पे 46 वैल्यू आ रही है इसकी, और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आ रही है, यहाँ पे भी जितनी 46 वैल्यू पीछे की आ रही है सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ भी आई, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस नंबर की यहाँ पे भी लगी हुई है। जब तक यहाँ पे सेम नंबर नहीं आएगी, देखिए इसकी वजह से ये भी ख़राब कर रही रेजिस्टेंस, दोनों हमारे को रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर की भी अप डाउन हो रही है, उधर की अप डाउन हो रही है, कभी कभी दे रहा है कभी कभी नहीं दे रहा है। तो दो रेजिस्टेंस के कारण हमारा स्टीयरिंग इतना हार्ड हो गया था। तो रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद में अभी आपको दिखाते हैं कि वैल्यू हमारी 44, 46 और 47 बस यहाँ तक आएगी, मतलब 50 से ऊपर नहीं भागनी चाहिए, अगर 50 से ऊपर भागेगी तो ये रेजिस्टेंस हमारे को चेंज करनी पड़ती है। तो चेंज करके आपको दिखाता हूँ वैल्यू इसकी। तो इन दोनों रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे इसमें, बढ़िया से पकड़ो, पेस्ट लगाने के बाद में इसको निकालते हैं रेजिस्टेंस को। तो हमें जो इसकी एयर रखनी होती है इसकी हॉट गन की इस डिब्बी के लिए, तो ये 3 पे रख लेंगे, और ये हमारा 400 पे हीट रख लेंगे इसकी, 400 हीट रखने के बाद में फिर हम इसकी दोनों रेजिस्टेंस निकालेंगे। चार सौ पर रखने के बाद कितनी प्यार से निकल गई है, ले रहा वीडियो पे।
दूसरी भी निकल गई हमारी, तो इसको पहले तो अच्छे से शोल्डिंग करेंगे ऐसे, ताकि इसकी जो है अच्छे से पकड़ हो जाए रेस्टन लगाएं जब हम, ऐसा ना हो लगाई और बाद में छूट गई अपने आप ऑटोमेटिक। तो पहले शोल्डर इसमें लगा लेंगे अच्छे से, शोल्डर लगाने के बाद में रेस्टन जो हमने निकाली थी यहाँ पे नई वाली है 473 की, तो ऊपर से हमें हीट दिखा हल्का सा फोर्स करना होता है, फोर्स करने के बाद में अपने आप ये चिपक जाती है। ठीक है, अब ये दूसरी वाली हम लेंगे इसे, दूसरी भी ऐसी लगा देंगे, ये चिपक गई हल्का फोर्स करने के बाद में। उसके बाद में हल्का सा पेस्ट लगाएंगे इसमें, पेस्ट लगाने के बाद में, पेस्ट लगाने के बाद में, पेस्ट लगाने के बाद में फिर हल्का सा शोल्ड करेंगे इसे बढ़िया, ताकि अच्छे से इसकी चिपक जाए। चिपकने बाद में जो वैल्यू आपको दिखा रहा था मैं, बार बार भाग रही थी और कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। दोबारा से फिर 200K पे मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे हम। सेट करने के बाद में जो दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कितनी आने लगी है, जो यहाँ पे 172 भाग रही थी, जो यहाँ पे 44 आ गई, और यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी हमारी 44-46 पे जाके रुक जाएगी। तो अभी गर्म है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी ये 44 तक जाके, 46-47 तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 40 से लेकर 50 के बीच में है तो हमारी रेस्टेंस जो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने आगे का फ्रंट का तो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, अब पीछे देखते हैं, पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इसकी पीछे तो कोई प्रॉब्लम मिली नहीं है, जो प्रॉब्लम थी बस दो रेस्टेंस थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रही है। तो हम आसपास नज़र और मार लेंगे, कोई रेस्टेंस तो नहीं है हमारी, उड़ के भग गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डिब्बी रिपेयर करते वक्त में जो हीट मारते हैं तो हल्की सी रेस्टेंस उड़ के भाग जाती है कोई ना कोई चीज़, देख लेंगे कोई रेस्टेंस तो नहीं है हमारी, उड़ के भग गई है। ये पहले भी किसी ने रिपेयर करा हुआ है, कुछ दिक्कत तो नहीं करी है, तो जिसमें कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पहले देख लेंगे, कुछ रेस्टेंस तो नहीं उड़ के भग गई, अपनी जगह सब लगी हुई हैं, सही लगी हुई हैं। जिस किसी भाई को PDF चाहिए इसका, तो PDF भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाता है, और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, और अब वहाँ से जाकर कॉल करके PDF को परचेस कर सकते हैं। तो अभी इसे गाड़ी में लगाएंगे चल के और दिखाएंगे चल के आपको कि एक ही बार में काम करेगी। तो ये डिब्बिया में लगा दी है, आपको दिखाता हूँ, ये डिब्बिया में लगा दी है, ये वही वाली डिब्बी है जिससे पहले किसी ने साइन कर रखे थे। गाड़ी चला रहे हो क्या? गाड़ी चला रहे हो क्या? तो हमें ये लटका के पहले इसको चेक करेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके, हमने चाबी ऑन करी, ETS की लाइट आ गई है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करी और ETS की लाइट चली गई और हमारा स्टीयरिंग भी फर्स्ट क्लास काम करने लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।